गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग लिमिट से रिलेटेड एक स्पेशल केस को पढ़ेंगे, यानी लिमिट से रिलेटेड स्पेशल केस, लिमिट से रिलेटेड स्पेशल केस। लिमिट से रिलेटेड एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, ओके। देखिए क्या है स्टूडेंट्स स्पेशल केस, स्पेशल केस बेस ऑन लिमिट्स, स्पेशल केस बेस्ड ऑन लिमिट्स। क्या है सर, देखिए सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर, या इसको एम मानते हैं, एम माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एम माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एम डिवाइडेड बाय पी नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस बी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस बी एन बी एन। ऊपर में कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स बताइए, एम टर्म। नीचे में कितना है, एन टर्म्स। यहां पे एम टर्म है, यहां पे कितने टर्म है देखिए, एन टर्म्स। ऊपर में एम टर्म, नीचे में एन टर्म। अब स्टूडेंट्स हमें इस तरह के स्पेशल फॉर्म्स का हमें क्या निकालना है, लिमिट्स निकालना है। इसके लिए तरीका क्या है सुन देखिए, इसके लिए तरीका है, अगर m इक्वल है n के तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा इस हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कितना है, ए नॉट। नीचे में देखिए हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कितना है, सो देखिए बी नॉट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सो देखिए ए नॉट अपॉन बी नॉट। ए नॉट अपॉन कितना है, सो देखिए बी नॉट। ए नॉट अपॉन बी नॉट। अगर स्टूडेंट्स यहां पे पावर कम और यहां पे पावर क्या है, ज्यादा, यानी एम ज्यादा है, यानी एम कम है और एन क्या है, ज्यादा है, तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। कितना होगा इसमें देखिए, जीरो। तीसरा क्या है सर देखिए, अगर हमारे पास एम ग्रेटर है एन से, तो यहां पे स्टूडेंट्स हमें दो मीनिंग देखना होता है। एम अगर ग्रेटर है एन हो तो इसके साथ एक केस और देखना होता है। केस क्या है सुन देखिए, कि ए नॉट एंड बी नॉट का प्रोडक्ट, ए नॉट एंड बी नॉट का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन जीरो है, यानी ए नॉट का, यानी ये ए नॉट एंड बी नॉट, ए नॉट एंड बी नॉट का यदि स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग इसके आंसर को कितना मानेंगे, इन्फिनिटी। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या है सुन देखिए, एम ग्रेटर देन एन है और ए नॉट एंड बी नॉट का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, तब हम लोग इसके आंसर को क्या मानते हैं, माइनस इन्फिनिटी। अब यहां से स्टूडेंट्स ये प्योर कॉन्सेप्ट है, आप इसमें कॉन्सेप्ट कहता क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपर न्यूमरेटर से आप हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो एंड डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो एंड देन लिमिट्स को सोल्व कर लो। देन लिमिट्स को क्या कर लो स्टूडेंट्स, सोल्व कर लो। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है टेक हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एज कॉमन, एज कॉमन सेपरेटली फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड सोल्व लिमिट्स। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है देखे, कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, या तो आप इस रूप से आगे बढ़ जाओ, नहीं तो अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हो तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। चलिए इस पूरे स्पेशल केस को जो कि बेस्ड है लिमिट्स पर,
हम लोग इसके उदाहरण से लेकर समझते हैं, यानी उदाहरण लेते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तरीके से क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। हाईएस्ट पावर फ्रेंड्स हम लोग कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ऐसे लेते हैं। आप एक्स के हाईएस्ट पावर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से क्या कर ले, कॉमन निकाल ले। ये बनेगा फ्रेंड्स लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां x है अपॉन, यहां से x कॉमन ले, ये बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन x, x x क्या हो गया सो देखिए कैंसिल। जैसे फ्रेंड्स इन्फिनिटी यहां पुट करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू कितना, 0। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा आंसर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू कितना, 1, विच इज इक्वल टू कितना सो देखिए 1। अब ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स तो यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है, 1, यहाँ पे कितना है सो देखिए पावर 1, तो m इक्वल टू 1 और n इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स 1। अगर m और n अगर बराबर हो तो उस स्थिति में फ्रेंड्स जब हमारा आंसर होता है वो a नॉट अपॉन कितना था, b नॉट। अब यहाँ पे a नॉट कितना है सो देखिए 1, b नॉट कितना है सो देखिए 1, तो हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू कितना है सो देखिए 1। तो ये था फ्रेंड्स कॉन्सेप्चुअल स्टडी, और ये था आप डायरेक्ट उस फॉर्मुला को याद करें और जो गिवन वैल्यू होगा आप उसको नोट डाउन कर लें। ओके चलिए फ्रेंड्स इसी को एक और प्रश्न लेते हैं। इसी पे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फ्रेंड्स हमें सॉल्व करना है इसे, हम लोग क्या करते हैं हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू फ्रेंड्स किसके बराबर होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू कितना, 0। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0, देख रहे ना ये 0, 0 इंटू 1 कितना हो गया, देखिए आंसर हो गया 0, किसके बराबर हो गया देखिए 0 के बराबर। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एम है यहाँ पे 1, एन है यहाँ पे कितना 2, एम जो है छोटा है एन से, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि इसका आंसर किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। कॉन्सेप्ट कहता है किसका आंसर किसके बराबर होगा, इसमें देखें 0 के इक्वल होगा। ओके चलिए सुन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा फ्रेंड्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर कॉमन लेंगे तो एक्स 1 अपॉन 1 प्लस कितना बनेगा x, ये x से x कैंसिल हो गया, यहां बन जाएगा फ्रेंड्स 1 अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू 0, तो बनेगा फ्रेंड्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन 1, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये रहा फ्रेंड्स एक्स, तो हमारा आंसर किसके बराबर हो गया फ्रेंड्स देखिए इन्फिनिटी के इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये रहा फ्रेंड्स हाईएस्ट पावर एम इक्वल टू, यहाँ पे हाईएस्ट पावर एन इक्वल टू 1, यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स एम ग्रेटर देन एन है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ए नॉट इंटू बी नॉट का प्रोडक्ट कैसा है, ये रहा 1, यहाँ भी रहा कितना फ्रेंड्स 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 जो कि ग्रेटर देन कितना है देखिए 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हम लोग आंसर्स को कैसा मानते हैं, आंसर्स को मानते हैं प्लस इन्फिनिटी, क्या मानते हैं देखिए प्लस इन्फिनिटी, कितना मान लेते हैं प्लस इन्फिनिटी। ओके चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1।
अब यदि स्टूडेंट्स देखोगे यहाँ पे तो m है दो और n कितना है वन, n ग्रेटर देन n, तो ध्यान से देखोगे तो हम लोग प्रोडक्ट चेक करेंगे a नॉट इंटू बी नॉट जो कि माइनस वन होगा लेस देन जीरो, तो इसका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स कितना माइनस के इन्फिनिटी, कितना आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स बताइए माइनस का इन्फिनिटी, माइनस के इन्फिनिटी। कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आप क्या कर लो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आप हाइएस्ट पावर को कॉमन लो, आप हाइएस्ट पावर को क्या कर लो कॉमन ले लो, हाइएस्ट पावर कॉमन लोगे तो एक्स इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स, ये हो गया स्टूडेंट्स वन अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो, एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो गया स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेन इंटू इन्फिनिटी माइनस बाहर यहाँ पे रहा स्टूडेंट्स एक्स, जैसे पुट करोगे ये रहा स्टूडेंट्स माइनस इन्फिनिटी, इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुन देखे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, जहां पे ए ग्रेटर है किससे सुन देखे बी से, यानी ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां पे ए जीरो से क्या है ग्रेटर है। अब इसका आंसर करना है स्टूडेंट, यहां पे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट कितना है, यहां पे ए इक्वल टू कितना है दो, एन इक्वल टू कितना है वन, एम ग्रेटर देन कितना है एन, अगर यहां पे स्टूडेंट्स लोग प्रोडक्ट ले ए नॉट का एंड बी नॉट का, तो ए नॉट का वैल्यू ए एंड बी नॉट का वैल्यू कितना है देखे वन, जो कि आगे कितना है देखे ए, और ए तो मेरा जीरो से क्या है देखे ग्रेटर है, तो इस केस में स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा प्लस का इन्फिनिटी, कितना आंसर होगा देखे प्लस का इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे ए ए मेरा ग्रेटर देन और किसके बराबर स्टूडेंट देखे जीरो के बराबर, तो इसको हमारे स्टूडेंट्स हम लोग दो हिस्से में बांटेंगे, ए ग्रेटर देन जीरो और ए इक्वल टू कितना है देखे जीरो, अगर हमारा ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है तब तो इसके आंसर को स्टूडेंट्स हम लोग मानेंगे इन्फिनिटी, कितना मानेंगे इन्फिनिटी, अगर स्टूडेंट्स हमारा आंसर ए इक्वल टू जीरो है तो ए इक्वल टू जीरो होते स्टूडेंट्स ये हो जाएगा जीरो, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए जीरो, तो ये हो गया जीरो, ऊपर में सिर्फ कॉन्स्टेंट और नीचे में एक्स है, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करोगे इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा देखिए तो ये जीरो के बराबर होगा, तो यहां से आंसर करोगे तो बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए तो जीरो हो गया तो बी अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये आंसर हो गया स्टूडेंट्स वन अपॉन इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू जीरो, ध्यान दे अगर हमारे पास इस तरह का कहीं भी सवाल आता है जहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करके करेंगे, इस तरह से इसका आंसर नहीं देंगे, ओके इस तरह से इसका आंसर नहीं देंगे, जब भी अगर कोई कंडीशन बनता हो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू तो आप उसको दो हिस्से में डिवाइड करोगे, एक हिस्सा आपको डायरेक्ट इससे मिलेगा और एक इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से मिलेगा। ओके चलिए चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू कितना देखे जीरो, तो हमें फाइंड करना है ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स ए एंड बी, चलिए
हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का ए एक्स माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स माइनस का बी अपॉन एक्स प्लस वन। यानी हम लोग इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर का टर्म ये दोनों है, दोनों से अगर स्टूडेंट्स हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बनेगा वन माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट्स एक्स का ये दोनों टर्म है तो माइनस आप कॉमन ले लो तो बचेगा ए प्लस बी इंटू एक्स। ये दोनों कॉन्स्टेंट टर्म ये बचा स्टूडेंट्स वन माइनस बी, वन माइनस कितना है देखिए बी, तो टर्म हो गया स्टूडेंट्स एक्स वन माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का वन माइनस बी अपॉन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना है देखिए जीरो। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यहां पे हाईएस्ट पावर दो है और यहां पे हाईएस्ट पावर कितना है वन, यहां पे हाईएस्ट पावर दो यहां पे हाईएस्ट पावर वन और हमें आंसर कितना लाना है जीरो। तो ऊपर में स्टूडेंट्स हाईएस्ट पावर कितना है ज्यादा, नीचे में हाईएस्ट पावर क्या है कम है, तो ये तभी हो सकता है जब जब ए माइनस वन किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल, तो ए के बराबर कितना आ गया होगा देखिए वन के इक्वल आ गया होगा। यहाँ पे एम जो है वह दो है और एन क्या है वन, यानी एम जो है ग्रेटर है किससे एन से, तो ये तभी हो सकता है जब ये कितना रहा होगा जीरो के इक्वल रहा होगा। अब स्टूडेंट समय लाना है बी का आंसर, बी के आंसर के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बी के आंसर के लिए हमें करना होगा, बी के आंसर बनाने के लिए हमें करना होगा ए प्लस बी को जीरो करना होगा। तो ए प्लस बी कॉन्डो कितना होगा जीरो, ए का वैल्यू वन प्लस बी कॉन्डो जीरो, तो बी कॉन्डो कितना हो गया स्टूडेंट देखिए माइनस वन, बी कॉन्डो कितना हो गया देखिए माइनस के वन, बी कॉन्डो हो गया स्टूडेंट्स माइनस के वन। फिर से समझे स्टूडेंट्स अगर इस तरह के फॉर्म दिया जाए तो सबसे पहले न्यूमरेटर अलग डेनोमिनेटर अलग दोनों का अलग अलग कर लिए, हाईएस्ट पावर कॉमन लेकर के सेपरेट कर लिए। अब सेपरेट करने के बाद स्टूडेंट देखिए सेपरेट करने के बाद आंसर देखिए, ऊपर में पावर ज्यादा है नीचे में पावर क्या है कम है, ऊपर पावर ज्यादा नीचे पावर कम, ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है कि ऊपर में पावर ज्यादा हो नीचे में पावर कम हो, तो इसका आंसर किसके बराबर हो गया देखिए जीरो के इक्वल हो गया। ध्यान से देखिए ऊपर में अगर पावर ज्यादा हो और नीचे में स्टूडेंट्स अगर पावर कम हो, ऊपर में पावर ज्यादा और नीचे में पावर कम हो, तो हम लोग आंसर्स को इन्फिनिटी मानते हैं, क्या मानते हैं स्टूडेंट्स इन्फिनिटी मानते हैं। अगर इससे बचना है, इससे बचना है तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें करना होता है इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए क्योंकि ऊपर अगर पावर ज्यादा हो नीचे पावर कम हो तो हम लोग आंसर्स को मानते हैं इन्फिनिटी, बट यहाँ तो आंसर किसके बराबर है जीरो के बराबर। तो हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स कि ये जो हाईएस्ट पावर है इसी के कोएफिशिएंट को जीरो कर लो ताकि हमारा आंसर इन्फिनिटी नहीं हो सके। तो हम लोग क्या कर लिए स्टूडेंट देखिए इसके हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को किसके बराबर मान लिए जीरो के बराबर, ताकि हमारा आंसर इन्फिनिटी नहीं हो सके, हमारा आंसर किसके बराबर आ सके जीरो के बराबर। तब यहां से स्टूडेंट्स वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू कितना हो गया देखिए वन। अब हमारा आंसर किसके बराबर है स्टूडेंट देखिए जीरो के बराबर, किसके बराबर है जीरो के बराबर। अब जीरो कब आता है स्टूडेंट्स, हमारा आंसर जीरो कब आता है, जीरो आता है व्हेन 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 एम हो हमारा क्या चीज एन से कम, एम हो एन से कम, एम हो एन से कम, तो ऊपर से एम नीचे से एन। अब कम कैसे हो सकता है, यहाँ पे पावर वन है, अब इसमें पावर वन न होकर के कितना होना चाहिए जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स एक्स के भी पावर को यानी एक्स के भी कोएफिशिएंट को जीरो के बराबर मानेंगे, जैसे बराबर करेंगे तो बी का वैल्यू कितना निकल के आ गया देखिए माइनस के वन। चलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को एक और छोटे से क्वेश्चन से इसको समझते हैं। ओके चलिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस वन
अपॉन एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू है दो। इस बार जीरो नहीं है स्टूडेंट, इस बार इक्वल टू कितना है दो। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। सबसे पहले सर सब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी भी स्टूडेंट सब लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में इसे सिंप्लीफाई किया था, रिजल्ट आया था वन माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का वन माइनस बी अपॉन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना से देखे दो। रिजल्ट किसके बराबर है, देखिए रिजल्ट है दो के बराबर। ये दो कब आ सकता है, ये दो आएगा जब जब एम इक्वल हो किसके एन के, जब एम इक्वल हो एन के, यानी दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए बराबर। अब यहां पे डिग्री वन है, यहां पे डिग्री वन है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, वन माइनस ए को कितना मानना होगा जीरो। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, देखिए वन। ए इक्वल टू कितना हो गया वन, ए इक्वल टू कितना हो गया देखिए वन। अब हमें बी लाना है, बी लाने के लिए क्या करना होगा क्वेश्चन देखिए, कि अगर हमारा डिग्री बराबर होगा तो इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट आपस में क्या होंगे इक्वल, आपस में दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा दो के बराबर। तो माइनस का ए प्लस बी अपॉन में वन इक्वल टू टू, तेरा है स्टूडेंट्स ए प्लस बी इक्वल टू माइनस के टू, ए की जगह वन, तो वन प्लस बी इक्वल टू माइनस टू, तो बी इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स माइनस के थ्री। बी इक्वल टू कितना हो गया देखे माइनस के थ्री, बी इक्वल टू कितना हो गया देखे माइनस के थ्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है, सेम ये क्वेश्चन रहेगा बट इस टू के जगह पे हम लोग कितना मानते हैं इन्फिनिटी, कितना मानते हैं इसमें देखिए इन्फिनिटी। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इन्फिनिटी तभी आ सकता है, ये रिजल्ट इन्फिनिटी तभी आ सकता है। इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए फ्रेंड्स हम इसे सिंप्लीफाई कर ले। तो यहां पर कितना इन्फिनिटी, ये रिजल्ट इन्फिनिटी तभी आ सकता है जब m ग्रेटर हो किससे n से। अगर m n से ग्रेटर होगा तभी ये रिजल्ट आ सकता है ना, जब m किससे ग्रेटर हो n से ग्रेटर हो। जब m किससे ग्रेटर है देखिए एन से, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी। चलिए स्टूडेंट्स, यानी एम ग्रेटर होना चाहिए किससे एन से। अब ऐसा करने पे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पे ये हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो हमारा कैंसिल नहीं होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा इससे क्या होना चाहिए a माइनस वन, ये हमेशा जीरो से क्या होना चाहिए बिगर होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए स्टूडेंट बताइए बिगर होना चाहिए। एंड साथ ही साथ सबसे पहले क्या करते हैं a माइनस वन को ग्रेटर करेंगे जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पावर को तो जीरो नहीं होना है, तो इसको करेंगे ग्रेटर देन जीरो, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स a माइनस वन इनइक्वालिटी चेंज, तो a लेस देन वन, a का वैल्यू कैसा होना चाहिए स्टूडेंट बताइए लेस देन वन, a का वैल्यू एक से छोटा होना चाहिए, a लेस देन वन यानी a का वैल्यू एक से छोटा चाहिए, हमें रिजल्ट आना है इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट्स ये रहा b, यहां से मिलेगा b, हमें यहां से मिलेगा। अब इस b के ऊपर स्टूडेंट्स कोई कंडीशन नहीं है, b के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, तो b कैन टेक एनी रियल वैल्यू, b कैन टेक एनी रियल वैल्यू, हेयर बी कैन टेक एनी रियल वैल्यू। यहां पर स्टूडेंट्स बी कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास का स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो उतना शेयर करें, ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।